राहुल गांधी के संसद सदस्यता छीनने से गुस्साई कांग्रेस, पूरे देश में छिड़ेगी जन आंदोलन। क्या करने वाली है कांग्रेस और क्या करने वाले हैं राहुल गांधी, 9 सेकंड में आपको दिखाते हैं। राहुल की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस का पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का प्लान। आज से देश भर में होगा प्रदर्शन, सोमवार से संविधान बचाओ आंदोलन होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज दोपहर 1 बजे पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 11 बजे नेता और कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय में जुटना शुरू होंगे। लोकसभा के लिस्ट से राहुल का नाम भी हटा। बिजली की रफ्तार में राहुल पर एक्शन से घबराई कांग्रेस, बड़े संघर्ष का प्लान। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित। सूरत की एक अदालत ने मोदी सरनेम के अपमान पर सुनाई 2 साल की सजा। केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए विपक्षी दल। लोकसभा सदस्यता जाने पर राहुल गांधी का पहला ट्वीट, लिखा, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, हर कीमत चुकाने को तैयार। कांग्रेस दफ्तर में कांग्रेस नेताओं की बैठक। राहुल के लोकसभा सदस्यता जाते ही बहन प्रियंका गांधी से लेकर कांग्रेस के छोटे बड़े सभी नेताओं का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। उसी से जुड़ी खबरें आपको 9 सेकंड में दिखा देते हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, बोले, उन्होंने एक आवाज दबाने की कोशिश की, अब वो आवाज दुनिया के हर कोने में सुनी जा रही है। खड़गे ने राहुल के निलंबन को बताया बीजेपी का डर, कहा, राहुल को जिस बिजली की तेजी से निलंबित किया इससे साफ है कि वो राहुल गांधी से कितना डरते हैं। राहुल की सदस्यता छिनने से भड़की प्रियंका गांधी ने कहा, हमारी रगों में शहीदों का खून जो इस देश के लिए बहा, हम डट कर लड़ेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु संघवी ने कहा, राहुल गांधी की आवाज दबाना आसान नहीं, बड़ा आंदोलन होगा, सारी बातें खुले आम रखी जाएंगी तो वहीं हमारी आवाज नहीं दबेगी। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने दिया कांग्रेस की लंबी लड़ाई का ब्लूप्रिंट, आज करेंगे संसद से मार्च, विजय चौक पर प्रदर्शन, फिर लेंगे राष्ट्रपति से मुलाकात का वक्त। राहुल के सदस्यता छीनने पर भड़के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कहा, जब अदाणी मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा तो मुद्दों से भटकाने के लिए छीनी गई राहुल की सदस्यता। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने लोकसभा सचिवालय की कार्रवाई को बताया जल्दबाजी में लिया गया फैसला, दिया रास्ते पर उतरकर विरोध का मंत्र। कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह ने जताया बीजेपी में जेपीसी से डर का माहौल, कहा, इनके राज में काला धन आया नहीं, काला धन देश से बाहर गया है, ये लोग राहुल गांधी से डरते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बीजेपी पर सीधा प्रहार, कहा, अदाणी को बचाने के लिए सत्ता की जरूरत आपको है, राहुल गांधी के पास सच कहने के लिए सत्ता नहीं, सत्य है। तो पहले राहुल की सजा के ऐलान और उसके बाद उनकी सांसदी जाने से सिर्फ पार्टी ही नहीं बल्कि दूसरे विपक्षी दलों में भी खलबली मची हुई है। इसी से जुड़ी कुछ खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड में। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर बीजेपी पर बरसे केजरीवाल, कहा, देश में जो चल रहा है वो खतरनाक, विपक्ष को खत्म करना, वन नेशन वन पार्टी का माहौल बनाने में लगी है बीजेपी। राहुल गांधी की सदस्यता छीनने को शिवसेना सांसद संजय राउत ने बताया लोकतंत्र की हत्या, कहा, निजाम का संदेश है, झुक जाओ या जेल जाओ, सरकार विपक्ष को कुचल रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राहुल की सदस्यता छीनने को बताया देश का ध्यान भटकाने का तरीका, कहा, महंगाई, बेरोजगारी और अडानी मुद्दे से भाग रही है सरकार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, राहुल इस मिट्टी से बने हैं जिससे आप डरा नहीं सकते, सत्ता पक्ष खुद नहीं चलने दे रहा संसद, सवाल से बचने के लिए उठाया ये कदम। बीएसपी सांसद दानिश अली का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा, अगर निष्पक्ष जांच हो और जल्दी फैसला आए तो बीजेपी के 70% सांसदों की सदस्यता रद्द हो जाएगी। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने राहुल की सदस्यता के खिलाफ विपक्ष को दिया नया मंत्र, कहा, कांग्रेस ही नहीं विपक्ष के सभी सांसदों को इस्तीफा देकर उतरना चाहिए मैदान में। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने राहुल गांधी की सदस्यता छीनने को बताया इतिहास का बड़ा मोड़, कहा, पूरा देश लड़ेगा लोकतंत्र की लड़ाई। राहुल गांधी की सजा पर सियासी घमासान, अब क्या है बीजेपी का नया प्लान, आइए देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कसा राहुल गांधी पर तंज, कहा, राहुल गांधी बोलते थे कि वो दुर्भाग्य से सांसद हैं, उन्हें छुटकारा मिल गया, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। राहुल मुद्दे को ओबीसी के अपमान से जोड़ने का प्लान, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पार्टी के ओबीसी नेताओं को दिया मसले को जोर शोर से उठाने का मंत्र।
मोदी सरनेम मामले में सजा याफ्ता राहुल गांधी के खिलाफ बोले बीजेपी सांसद सुशील मोदी। राहुल गांधी ने न सिर्फ मोदी सरनेम वालों का ही बल्कि सभी ओबीसी का अपमान किया। राहुल की सदस्यता खत्म होने को मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने बताया कानूनी प्रक्रिया। कहा इससे बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी का लेना देना नहीं है, कांग्रेस गुमराह कर रही है। केंद्र सरकार में मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने राहुल की सजा को बताया कम। कहा अदालत ने दी 2 साल की सजा, अब जनता देगी 20 साल की सजा। जो अपराध किया है वो क्षमा योग्य नहीं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राहुल गांधी को दी माफी मांगने की नसीहत। कहा प्रधानमंत्री का अपमान देश भर के ओबीसी और अति पिछड़ों का सब अपमान। राहुल गांधी की सजा को लेकर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ गाजियाबाद में बीजेपी ने किया जबरदस्त प्रदर्शन। नवयुग मार्केट में राहुल गांधी के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। देखिए, राहुल गांधी केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद थे। राहुल की सांसदी छिनने का क्या होगा, वहां के लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, देखिए 9 सेकंड न्यूज में। राहुल के सजा और सदस्यता जाने को लेकर भड़के उनके संसदीय क्षेत्र वायनाड के कार्यकर्ता। अलग अलग जगहों पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारे, धरना और प्रदर्शन। राहुल गांधी पर लोकसभा सचिवालय की कार्रवाई के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष ने किया सदन से वॉकआउट। सदन के बाहर जमकर हुआ प्रदर्शन और केंद्र के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। राहुल मुद्दे पर दिल्ली में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया बड़ा प्रदर्शन। जगह जगह भारी तादाद में जुटे युवा कांग्रेस नेता लगाए बीजेपी सरकार के खिलाफ नारे। राहुल के संसद सदस्यता छीनने पर बिहार में मिली जुली प्रतिक्रिया। जेडीयू नेता ललन सिंह ने बताया फैसला गलत। बीजेपी के गिरिराज सिंह और रविशंकर प्रसाद ने कहा सही। राहुल गांधी की सदस्यता छीनने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस में जबरदस्त गुस्सा। भोपाल में पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ लगाए नारे, किया भारी प्रदर्शन। राहुल गांधी सदस्यता रद्द होने पर चुनावी राज्य कर्नाटक में भी भारी रोष। कांग्रेस कार्यकाल में काली पट्टी बांधकर कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध, पुलिस ने सड़क पर जाने से रोका। राहुल के समर्थन में उत्तरा पहाड़ी राज्य उत्तराखंड राजधानी देहरादून में मशाल जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। युवा कांग्रेस की अगुवाई में उतरे बड़े नेता। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।